नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो में। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, यह है हेल्प एंड ग्रीन न्यू जनरेशन क्लासिक 350। अब किसी इंट्रोडक्शन या पहचान की मोहताज नहीं, आप पहले ही बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख चुके होंगे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन भाइयों को जो बचा चुके हैं मेरा समय। नहीं करूँगा बात मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, नहीं बात करूँगा मैं इसके लुक्स की, लेकिन बात करूँगा मैं इसके एक्सपीरियंस की, जो होगा राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं या आप पहले से ही क्लासिक 350 के ओनर हैं और आप चेंज करना चाहते हैं या इस पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे ये आपको क्यों लेनी चाहिए और कोई भी नया बंदा उसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसके बारे में करेंगे बात और देखेंगे चला के इस बीस्ट को। गाड़ी लाई जा चुकी है बाहर, राइड के लिए रेडी। नज़र डाल लेते हैं एक बार इस पर सूरज की रोशनी में। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप पहले से ही वाकिफ होंगे। लुक्स वाइज क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड ने अपनी लेगेसी को मेंटेन रखा है अपार्ट फ्रॉम सम मेजर चेंजेस, जैसे किक को हटा दिया गया है, मेटियोर का इंजन लगा दिया गया है, इंजन मून रिफाइंड है, वाइब्रेशंस ख़त्म हो चुके हैं, कलर्स ऑप्शंस बहुत सारे आ चुके हैं। वही फील चलाने में भी आती है, यानी देखते हैं, हो चुके हैं हम विराजमान। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बरेली को, जिन्होंने ये गाड़ी मुहैया कराई टेस्ट राइड के लिए। करते हैं इसको क्विकली इग्निशन स्टार्ट। स्टैंड से उतारते ही मैं आपको बता दूं, मुझे गाड़ी काफ़ी हल्की लगी। मैं करता हूं राइड स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 350 जो मैंने ली थी लास्ट ईयर, उसको राइड करने के बाद इस पे बैठने के साथ मुझे ये काफ़ी हल्की महसूस हुई। और जी हाँ, पहली इसकी टेस्टिंग शुरू होती है। इसका टर्निंग रेडियस चेक कर लेते हैं। बेहतरीन टर्निंग रेडियस आई मस्ट से। चलते हैं रोड की तरफ और चला के देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। ये रहा हमारा बीस्ट क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। मैं राइड कर रहा हूँ बरेली शहर में। बरेली शहर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता मैं इसकी टॉप स्पीड को चेक कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो आपको टॉप स्पीड पे इसको दौड़ा के दिखा देंगे। मुझे इसको दौड़ाना भी नहीं, क्योंकि क्लासिक 350 रेस करने के लिए नहीं बनी। यह एक क्रूजर बाइक, चलाते हैं इसको आराम से। मैं तो देखना चाहता हूँ इसको चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और लेके निकल पड़े हैं हम इसको रोड पर। मुझे गाड़ी समहाउ काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है, लेकिन काफ़ी हल्की महसूस हो रही है। चलने में आपको महसूस ही नहीं कराती कि आप राइड कर रहे हैं क्लासिक 350। कोई हैवीनेस नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बहुत ही स्मूथ हल्की गाड़ी। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो ऐसा लगता है कि क्लासिक 350 की बॉडी में किसी मॉडर्न बाइक के इंजन को फिट कर दिया गया है। गाड़ी काफ़ी हल्की महसूस हो रही है चलने में और काफ़ी मज़ेदार लग रही है। पिकअप काफ़ी तेज, अगर आप इसको पहले गियर में भी रेव करने की कोशिश करेंगे आप इसको पिकअप कर सकते हैं। सेकंड गियर में भी काफ़ी पावरफुल। अरे मेरे भाई, साइड में हो जा। जी हाँ, मैं थोड़ा स्पेस चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी में तीसरा गियर भी डाल पाऊँ, लेकिन आप ट्रैफिक की हालत देख ही रहे हैं, लगता है इस तरह का ही मैं ट्रैफिक मिलने वाला है। होपफुली अगर आगे थोड़े से मिलता है तो मैं इसकी पावर को चेक करना चाहूँगा, इसकी पावर कितनी है। मैं चाहे आपको एक मज़ेदार बात बता दूँ कि जो आप ये क्लच और ब्रेक पे हाथ रखते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा दिया गया है। इसकी विड्थ को बढ़ाने से आपकी उंगलियों में वो निशान नहीं पड़ते, आपकी ग्रिप बहुत बेहतरीन बनती है, थकावट नहीं होती उंगलियों को। और जी हाँ, कहने के साथ ही मिल गई थोड़ी सी रोड, लेकिन ये भाई साहब आ गए बीच में। चालू करते हैं अपनी बातें, निकल पड़ते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। मैं कह रहा था कि इसमें रहती है इसकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि इसके क्लच और इसके ब्रेक्स की विड्थ को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और वो मुझे एक बहुत बड़ा कॉल आउट लग रहा है इसके कंफर्ट के लिए। सेटिंग पोस्चर की बात करूँ, सेटिंग पोस्चर बहुत ही बढ़िया, सीट क्वालिटी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। थोड़ी सी पोजिशनिंग का चेंज है, उसके शॉकर्स को निकाल दिया गया है, बट बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल। हैंडल बार की बात करता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली क्लासिक 350, जिसकी वजह से मुझे बैठने में काफ़ी आराम लग रहा है। कैमरे की पोजिशन ठीक कर लेता हूँ भाई साहब। ओके ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी रोड मिली है जहाँ पे हमें गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है। मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रॉटल, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए इसके ओआरवीएम्स, और अगर मैं बात करता हूँ इन मिरर्स की, तो इन मिरर्स में कोई वाइब्रेशन नहीं, लेकिन जबकि मैं राइड करता हूँ अपनी स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 350, वो काफ़ी वाइब्रेट होते हैं। इससे ही पता चलता है कि इस बाइक में वाइब्रेशंस ख़त्म हो चुके हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। मैं दोबारा नज़र डालता हूँ कैमरे को, देखिए आप, कहीं भी कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल क्लियर ट्रैफिक, क्लियर इमेज इस मिरर में आपको दिखाई दे रही है। और गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हल्की है, हवा की तरह उड़ रही है, गियर कहीं भी नहीं फंस रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बढ़िया क्रोम फिनिश के साथ ये मिरर्स। और देखिए आप, बिल्कुल कहीं भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा एक चेंज मैं कहूँगा। ब्रेक का बाइट बहुत ही बढ़िया, क्लच स्मूथ, एक्सेलेटर देते के साथ ही गाड़ी घोड़े की तरह दौड़ती है।
लगता ही नहीं कि इंजन से बल्कि एक्सेलेटर से एक्सेलरेट हो रही है। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस इसको चलाने का। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, मैंने फीडबैक देखे, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि क्लासिक 350 से किक नहीं हटानी चाहिए थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज किया है बट उतना मज़ेदार नहीं है। उन लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया टाइम के साथ चीज़ें चेंज होनी चाहिए और वो चेंज मांगती हैं। अगर टाइम के साथ चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो आपका भी नुकसान है और कंपनीज का भी नुकसान है। मैं तो ये कहूँगा रॉयल एनफील्ड ने इस नेक्स्ट जनरेशन रीबॉर्न क्लासिक 350 को रीबॉर्न करके एक नया बूम लाया है मार्केट में। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि गाड़ी जो रेट्रो बाइक्स राइड करने के शौकीन हैं लेकिन साथ में चाहते हैं एक रिफाइंड बढ़िया इंजन, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट चॉइस हो सकती है। जिनको आदत है पुरानी क्लासिक 350 की, अब खैर वो तो अब नहीं आएगी मार्केट में, लेकिन जिनको क्लासिक 350 पुरानी पसंद है, जिनको किक चाहिए, जिनको वही गियर चाहिए, हैवीनेस चाहिए, वाइब्रेशंस चाहिए, इतनी नहीं थी फिर भी अगर वो चाहिए तो वो अभी भी मार्केट से क्लासिक 350 यूज्ड बाइक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर बंदे जिनको लगता है कि ये एक रेट्रो फील की बाइक, गुड लुकिंग, नंबर ऑफ कलर्स, रिफाइंड इंजन, और वो उनको चाहिए, तो वो ज़रूर इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं और एक उनकी ये रॉयल एनफील्ड पहली बाइक होगी, तो मुझे लगता है कि उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये बाइक काफ़ी अच्छी है और मैं आपको ये सच बता दूं कि एक बार को सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बाइक लेने में लास्ट ईयर जल्दी कर दी, मुझे रुकना चाहिए था और शायद मुझे परचेस करनी चाहिए। बट नेवरदलेस क्लासिक 350 इज़ ऑलवेज अ क्लासिक 350 एंड लेजेंड। जब तक सूरज आंध रहेगा, क्लासिक 350 तेरा नाम रहेगा और हम जैसे लोग तुम्हारे दीवाने रहेंगे फॉर श्योर। ये रोड आगे से मैं टर्न लूँगा, मुझे मेरे साथ जो पीलियन पे रॉयल एनफील्ड के रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब अरविंद भाई बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से एक नई रोड मिली है जहाँ पर आप गाड़ी को थोड़ा सा दौड़ा कर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता एंड इट्स अ न्यू रोड सो यू कैन रन थ्रू। सो लेते हैं हम यहाँ पर एक बार फिर से टर्न और टेस्ट करते हैं इसके टर्निंग रेडियस को। उस वक्त क्या था, राइट साइड, लेफ्ट साइड में आप करते हैं राइट साइड में, बहुत ही उम्दा एकदम शार्प टर्न पर भी मोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका ये फीचर, क्योंकि टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी बढ़िया है, ये आपको ट्रैफिक में बाइक को निकालने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और गाड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया, हवा की तरह हल्की उड़ती हुई, बस देखने से लगती है कि आप एक हैवी बाइक चला रहे हैं लेकिन जब आप इसको राइड करते हैं इसमें आपको उस हैवीनेस का एहसास नहीं होता। और गाड़ी बहुत ज़बरदस्त पिकअप के साथ है, आई थिंक वो मोड़ आ चुका है, हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न, एक मिनट, लेते हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न, दिया है मैंने इंडिकेटर। जब मैं इसका इंडिकेटर देता हूँ तो जो हमारी क्लासिक 350 है उसमें इंडिकेटर को ऑफ़ करने के लिए जब आप पुश करते हैं तो एक हल्का सा क्लिक नॉइस आपको महसूस होता है, इसमें वो महसूस नहीं हो रहा। सो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया नहीं लग पा रहा था कि इंडिकेटर ऑन रह गया या ऑफ रह गया। मैं आपको छोटी छोटी चेंजेस वो बता रहा हूँ जो शायद किसी ने भी अपनी टेस्ट राइड में या रिव्यूज़ में कवर नहीं किए हैं, बट आई थिंक बीइंग ए क्लासिक 350 ओनर मुझे ये चेंजेस महसूस हुए एंड आई थिंक नन अदर देन अ प्रीवियस ओनर कैन टेल यू अबाउट इट। सो ये रही वो हमारी रोड, कैमरे के एडजस्टमेंट थोड़ा सा करता हूँ रोड की तरफ, ये रोड बस यहीं तक ठीक है, इसके आगे काफ़ी टूटी फूटी है भाई साहब मुझे बता रहे हैं, कोई बात नहीं, टूटी फूटी रोड भी हमको चाहिए। मैं देखूँगा थोड़ी सी सेटलिंग करके और थोड़ा सा कोशिश करूँगा कैसे हैं इसके शॉकर्स। सो फटाफट कवर करते हैं इसको, मैं चला रहा हूँ इस समय 60 पर, गाड़ी में मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं लग रही, इसके ऊपर मैं बढ़ नहीं सकता क्योंकि रोड हो रही है आगे ख़त्म, बट हाँ अभी भी मिरर्स में कोई वाइब्रेशन नहीं, बहुत ही स्टेबल। एक बात मैं आपको बता दूँ, वाइब्रेशन रिड्यूस होने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो पुरानी क्लासिक 350 थी वो सिंगल फ्रेम पे थी और ये हमारी डबल फ्रेम पे है। मैं यहाँ छोड़े गाड़ी नहीं चलाऊँगा, लेकिन अगर आप कोई और वीडियोस देखते हैं या अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि गाड़ी का अलाइनमेंट कैसा है तो आप अगर आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपको राय नहीं दूंगा, बट हाथ छोड़ने से आपको पता चलता है गाड़ी कैसे जाती है। और ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल है और मुझे लगता है कि जो डुअल फ्रेम इन्होंने लगाया है उसकी वजह से इसके वाइब्रेशन भी काफ़ी रिड्यूस हुए हैं और उसी की वजह से करते हैं सेटलिंग। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, यहाँ है काफ़ी गड्ढे, टेस्ट करते हैं इसके शॉकर्स को, उम्दा, पता भी नहीं चल रहा कि आप किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर की गाड़ी निकाल रहे हैं। डालता हूँ जानबूझ के कुछ गड्ढों में, उबड़ खाबड़, काफ़ी उबड़ खाबड़ आपको कैमरे में देख के पता नहीं चल रहा होगा लेकिन गाड़ी काफ़ी उछल रही है। बट टू बी ऑनेस्ट आपको कहीं भी कोई भी हार्डनेस का एहसास नहीं, आप अपनी सीट से उठ भी नहीं रहे हैं, इतना अच्छा कंफर्ट। और मैं श्रेय देता हूँ इसके बढ़िया हैंडल को, और अगर आप महसूस करें तो इसका हैंडल थोड़ा सा उठा हुआ है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, इसकी वजह से इसका सिटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बनाता है इसको एक उम्दा चॉइस फॉर लॉन्ग राइड्स। जो भी मेरे भाई लद्दाख राइड्स या लॉन्ग राइड्स के लिए बिलीव करते हैं जाने में, उनको इस बाइक के साथ एक नए तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा और मज़ा आ जाएगा सच कहूँ तो।
सिटी राइडर्स के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है। मैं आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ, आप देख ही रहे होंगे कुत्ते बिल्ली सड़क पर उल्टे सीधे घूम रहे हैं, गाड़ी को स्पीड नहीं दे सकते। बहुत ही मज़ा आ रहा है उस गाड़ी को चलाने में, और ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ता है कि शायद अगर मैंने ये बाइक ली होती तो मेरा एक्सपीरियंस अलग ही रहता, लेकिन हाँ जिन लोगों ने नहीं ली है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, दे शुड गो फॉर इट अनदर गड्ढा फॉर टेस्टिंग। रिक्शे वाले भाई साहब थोड़ा मैं निकल जाऊँ आगे, ओके फिर गड्ढा, ओके रोड कम है गड्ढे ज़्यादा हैं थैंक्स टू बरेली शहर। और हम आगे बढ़ते हैं, हम आने वाले हैं वापस सूरी सेल्स पर, और इसके आपने और भी बहुत सारे कलर्स देखे होंगे, ग्रीन आता है इसमें, रेड आता है, क्रोम की तो बात ही अलग है अगर मैं सच कहूँ तो। और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई ये गाड़ी या जिसका कलर मैं अगर कहूँ तो मुझे पसंद आया है मार्श ग्रे जो सिग्नल्स में है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आपका दिल जीत लेगी देखने में काफ़ी माचो लुक्स के साथ। और आज मैं बात कर रहा था अरविंद भाई से, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जो मैक्सिमम बुकिंग्स आ रही हैं और जो कस्टमर का रुझान आ रहा है वो या तो क्रोम की तरफ है या सिग्नल से मार्श ग्रे, जो कि बहुत ही उम्दा है। और रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया है कि इस पर कलर के चॉइसेस बहुत ज़्यादा दिए हैं, जो कि और हर कलर अपने आप में बहुत ही बेहतर है और कस्टमर्स को देता है बहुत सारी चॉइस बहुत सारे वेरियंट्स में। सो आपको बस मज़ा आने वाला है, बस मन ये है कि आप एक बार गाड़ी को चला के देखें। और मैं बोलूँगा अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, भले ही आपके पास पुरानी गाड़ी है या नहीं है, आप रॉयल एनफील्ड लवर हैं या नहीं हैं, या आप अपनी फर्स्ट बाइक लेने जा रहे हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि शोरूम जाइए, वहाँ पर टेस्ट राइड लीजिए, और यकीन जानिए स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। आप टेस्ट राइड लेने के साथ ही समझ जाएंगे, किसी यूट्यूबर या मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए गाड़ी चलने में कैसी है, आप खुद चला के देखिए और खुद आपका एक्सपीरियंस देखिए गाड़ी चलाने का कैसा है, क्योंकि पैसे आपने डालने हैं, गाड़ी आपने चलानी है, कंफर्ट आपको देखना है और गाड़ी आपके पास रहेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस में मत जाइए, किसी और के एक्सपीरियंस में मत जाइए, बट गाड़ी को खुद एक बार चला के देखिए। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था जो कि मैंने किया। वापस आ चुके हैं हम सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पे, करते हैं गाड़ी को खड़ा और मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार फिर से इसके लुक्स को। यार कैमरे पर जो टाइम स्टैम्प आप देख रहे हैं ना, ये गलत आ रहा है, इसको मैं कॉन्फिगर नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। गाड़ी को मैं खड़ा करता हूँ स्टैंड पे, और सच बताऊँ आपको स्टैंड पे खड़ी करने में भी मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगी, ना स्टैंड से उतारने में ना खड़े करने में। ये दे रही है आपको एक अलग ही एहसास, क्लासिक 350 लुक फील रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। और ये रहा वो क्लच जिसकी बात कर रहा था, देखिए काफ़ी चौड़ाई है, जिसे आप पकड़ेंगे तो आपकी उंगलियों में काफ़ी कंफर्ट रहेगा, जो कि करंट बाइक्स में आपको नहीं मिलता है। हैजार्ड सिस्टम भी बाइक में दिया गया, देखने में काफ़ी उम्दा लुक्स। मैं क्या कहूँ इस गाड़ी की तारीफ़ करते करते मेरा मन नहीं भर रहा, बस मैं जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड मार्केट में एक बहुत ही अच्छा अवतार लेकर आई है, न्यू जनरेशन क्लासिक 350। गो फॉर इट, ट्राई फॉर इट एंड श्योर योर फीडबैक इन कमेंट्स।